बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, एक भाई का सवाल है मेरे पास, शमशुद्दीन उनका नाम है। तो वो कहते हैं, यानी काफ़ी दफ़ा भाई ने पूछा है, यार आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गा रखा हुआ है, उसकी आवाज़ हमें वीडियो में आती रहती है, तो आप उसका शौक कराओ हमें। तो मैं आज उसी पर ही वीडियो बनाऊंगा, आपको शौक कराता हूं। आप देखो कि चंद मुर्गियां हैं मेरे पास, 3-4 मुर्गियां हैं, बस एक मुर्गा उनके साथ घूम रहा है। मेरे बेटे को शौक है तो इसीलिए ये रखा हुआ है। तो बहुत से भाई इस चीज़ पर नाराज़ भी होते हैं कि यार आपकी वीडियो में जो है इनका शोर होता है तो हमें आवाज़ समझ नहीं आती, लेकिन मैं क्या करूँ यार, ये भी एक शौक़ है, किसी के शौक़ को रोका नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैंने रखी हुई हैं मुर्गियाँ, तो उनका मैं आपको शौक कराऊंगा। आप देखो जो मेरे बेटे का शौक़ है। बाकी अगर जिस भाई को एतराज़ होता है कि वीडियो में आवाज़ होती है यानी, तो वो अपने मोबाइल का स्पीकर सही करा ले, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं वीडियो पहले ख़ुद देखता हूँ कि मुझे आवाज़ और हर चीज़ जब तक क्लियर ना हो वीडियो अपलोड नहीं करता, ठीक है ना। तो आप अपने मोबाइल का स्पीकर चेक कराओ, हो सकता है वहाँ कोई मिस्टेक हो, ख़राबी हो। या तो अगर आपको वाकई मेरी बातों में इतना इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, तो आप एक हेडफोन लेके कान में लगा लो, तो आपके को आवाज़ बराबर सुनाई देगी। लेकिन मुर्गियाँ यहाँ से ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है, जिस तरह मेरे कबूतर मैं ख़त्म नहीं कर सकता किसी के कहने पे, तो मेरे बेटे का शौक़ है मुर्गों का, उसको मैं भी ख़त्म नहीं कर सकता। तो ठीक है भाई मेरे, आपको शमशुद्दीन आपने कहा कि यार आपके बेटे को भी देखनी थी मुर्गियाँ, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लें। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, आप शौक देखो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये है मुर्गा और ये मुर्गियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें एक असील मुर्गी है और बाकी देसी, जिस तरह आप देख सकते हो कि ये मुर्गी पानी पी रही है। तो ये मेरे बेटे के शौक़ थे, बच्चे ने चूज़े लाए थे, तो माशाल्लाह पलके बड़े हो गए। इसी चैनल पर आप देखो पहले वीडियोज़ होंगी इनके, बच्चे जब ये छोटे छोटे बच्चे थे, तो अब माशाल्लाह तैयार हो गई, मुर्गियाँ बन गई, अब अंडे भी माशाल्लाह रोज़ देती हैं। तो इनका ही शोर होता है मेरी वीडियो में ज़्यादा, क्योंकि सुबह मैं आता हूँ, ये जो ब्लैक वाली मुर्गी आई है ना, ये असील मुर्गी है, ठीक है, ये वाली असील मुर्गी है। और बाकी ये देसी, तो ये हमारा मुर्गा है माशाल्लाह, बहुत तेज़ मुर्गा है, मारता भी बहुत है। बेटा मेरा आता है इसके साथ खेलता है, तो मतलब उसी की ये शौक़ है, तो उसने रखा हुआ है। और उस तरफ अगर आपको कबूतर दिख रहे होंगे तो वो गोला कबूतर हैं, हमारे भाई के छोटे भाई हैं मेरे, सलीम भाई, तो उनके गोला कबूतर हैं उस तरफ। तो इनको मैंने सुबह आके दाना भी डालता हूँ, पानी भी इनको रखता हूँ ताज़ा, देख सकते हो ये भी ताज़ा पानी रखा है। और ये मुर्गी है माशाल्लाह, ये अंडे दे रही थी, पिछली बार जब इसने अंडे दिए थे तो 3-1 बच्चे निकाले थे, तो वो बच्चे बेचारे बरसात में मर गए थे, ठीक है। तो फिर ये बाकी कुछ बच्चे पल गए, और मुर्गे बहुत ज़्यादा ही मुर्गे थे हमारे पास, तकरीबन 6-7 मुर्गे थे, तो बस आपस में लड़ते रहते थे, शोर बहुत होता था, तो मुर्गे हमने हटा दिए, तो उससे मुर्गियाँ ही रखी, तो 3 ही मुर्गियाँ बनी थी, बाकी सारे मुर्गे बने थे। तो आप माशाल्लाह देख सकते हो, तो ये असील मुर्गी है, मैं सिंध से लाया था, ठीक है, तब ये बच्ची थी, और ये जब लाया था तो मतलब इसने अंडे दिए हुए थे, अंडे पे बैठी हुई लाया था मैं, तो बच्चे इसने हमारे यहाँ घर पे निकाले थे। तो शमशुद्दीन अब आप देख सकते हो कि ये मुर्गियों का शौक़ है बस, हालांकि असील मुर्गियों का शौक़ मुझे भी बहुत है, तो बस लेकिन मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि एक शौक़ करा हुआ है कबूतरों का, वो बहुत है, उसको भी टाइम बराबर नहीं दे सकते, तो फिर ज़्यादा शौक़ बढ़ाएंगे तो फिर सारा टाइम कैसे देंगे, ठीक है। माशाल्लाह अंडे देती हैं, अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, 3-4 अंडे रोज़ मतलब मिलते हैं, 4 मुर्गियाँ, कभी 3 कभी 4 इस तरह मिल जाते हैं। Thank you.
तो ये जो आप देख रहे हो कपड़ा लगा हुआ है, इसके उस तरफ मेरे कबूतर हैं, तो ये यानी इस तरफ मुर्गियाँ अलग से हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी मुर्गियाँ भी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर कल किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।